अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज हम चना कलेजी की रेसिपी बनाएंगे। बॉयल चना एक पाव, कलेजी एक पाव, पिसा हुआ चना आधा कप, तीन अदद ग्रीन मिर्च कटी हुई, प्याज दो अदद कटी हुई, गरम मसाला 1 टेबल स्पून, अदरक लहसुन कूटा हुआ 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, काली मिर्च आधा टेबल स्पून, मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, मेथी 1 टेबल स्पून, कूटी हुई मिर्च आधा टेबल स्पून, हल्दी आधा टेबल स्पून, नमक हंसते जायका, कटी हुई टमाटर 3 अदद। अब हम कढ़ाई में 2 टेबल स्पून बड़े चम्मच डालेंगे, बड़े चम्मच 2 टेबल स्पून। अब हम इसमें प्याज डालेंगे, प्याज अच्छी तरह से मिक्स करके फिर इसको प्याज को हम ब्राउन करेंगे। अच्छी तरह से इसको पकाएं, फ्राई करें, मिक्स वेल, प्याज को ब्राउन करें। प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसमें अदरक लहसुन डालेंगे, मिक्स वेल, टमाटर, काली मिर्च, धनिया, मिर्च कूटी हुई मिर्च, हल्दी, नमक। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इनको अच्छी तरह से पकाएं जब तक टमाटर गल जाएं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे टमाटर को गालने के लिए, मिक्स वेल। अब हम इसमें कलेजी डालेंगे, कलेजी को अच्छी तरह से मिक्स करके 2 से 3 मिनट इसको हल्की आंच पर पकाएंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे आधा कप पानी, अच्छी तरह से मिक्स करके फिर इसको हम 10 मिनट कवर कर देंगे, 10 मिनट इसको हम कवर कर देंगे। 10 मिनट के बाद इनको अच्छी हम पिसा हुआ चना अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें चना डालेंगे, बॉयल चना, मिक्स वेल, अच्छी तरह से इसको मिक्स करें। 2 से 3 मिनट इसको हल्की आंच पर पकाएं। फिर इसमें हम 1 कप पानी डालेंगे, इसके बाद फिर इसको हम 10 मिनट इसको हम कवर कर देंगे और हल्की आंच पर 10 मिनट कवर कर देंगे। अब हम कवर इसको ऊपर उतार कर फिर मिक्स करके अच्छी तरह से फिर हम इसमें ग्रीन मिर्च डालेंगे, ग्रीन मिर्च, गरम मसाला, मेथी, इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद फिर हम 5 मिनट को हल्की आंच पर कवर कर देंगे। 5 मिनट को कवर कर देंगे हल्की आंच पर। अब हमारी चना रेसिपी तैयार है, अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद फिर हम स्टोव को ऑफ करेंगे, ऑफ करके फिर रेसिपी को डिश आउट करेंगे। हम डिश आउट करेंगे,
चना रेसिपी, चना कलेजी तैयार है। आप इसको पराठे और नान के साथ और रोटी के साथ खा सकते हैं, और चावल के साथ भी खा सकते हैं, और बिरयानी चावल के साथ भी खा सकते हैं। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे चैनल को, और मेरी वीडियो शेयर करें, फेसबुक ज्वाइन करें। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर दें, मुझे पता चल जाएगा आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। सो अपने बच्चों का, अपने बड़ों का अपना ख्याल रखें, और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।